मॉर्निंग क्लास 8 आपकी संस्कृत की बुक है, पुलकित संस्कृत सुभाषिका। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संस्कृत हमें सुंदर वचनों से अर्थात सुंदर विचारों से जो है वो सुशोभित करती। आपकी संस्कृत पुस्तक में कुल 21 अध्याय हैं जिन्हें हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए, वंदना देश रत्नम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जगत गुरु शंकराचार्य नील सिंग्राल आह्वान वाहनम ग्राम जीवनम कुमार भोज प्रथम भाग कुमार भोज द्वितीय भाग जवाहरलाल नेहरू नीति वचनम धेनु अस्माकम माता वाचाल ताया परिणाम विजयादशमी रक्तवर्ण भौम सूर्यस्य शक्ति व्यायाम लोभनाशस्य कारणम मेट्रो रेलयानम कर्म वीर भव। बच्चों, जब हम कोई भी नया कार्य आरंभ करते हैं अर्थात शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम हम भगवान की जो है वो वंदना करते हैं अर्थात भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस वक्त आप कक्षा 8 में गए हो 7 से, तो हम और नई पुस्तक भी आपने शुरू की है, नया क्लास है आपका, तो सर्वप्रथम हम भगवान की वंदना करते हैं। हे देवा देवेश वयम नमाना, हे देवताओं के देव, हम सब अर्थात इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं हम सब जो है वो आपकी वंदना करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। त्वाम वंदनीय जनकः जनकम सुखा नाम। तुम त्वाम मतलब होता है तुम, वंदनीय मतलब वंदना करने के योग्य अर्थात पूजे जाने के योग्य, जनकम मतलब पिता के, सुखा नाम सुख देने वाले हो। तुम वंदना करने योग्य हो क्योंकि पिता जैसे हमें सुख प्रदान करता है सभी प्रकार के, वैसे तुम भी हमें सुख प्रदान करते हो। देखिए, माता असि लोकस्य चर अचरस्य पुत्रा वयम त्वाम नहीं विश्राम। कह कि माता असि मतलब तुम माता हो, लोकस्य यानी संसार की, चर यानी जो चेतन है अर्थात जो सांस लेते हैं, अचरस्य मतलब निर्जीव है जैसे पेड़ पौधे, दे अचरस्य से मतलब जो सांस नहीं लेते, पुत्र मतलब पुत्र की तरह, वयम मतलब हमें, त्वम असि हमें प्रेम करते हुए इस, और हमें त्वम मतलब तुम नहीं मतलब नहीं नहीं विश्राम मतलब भूलते हो। कह रहे कि तुम इस संसार में जो सांस लेते हैं उनकी भी और जो सांस नहीं लेते मतलब चर की भी और अचर की भी पुत्र के समान प्रेम करती हो ती हो, इसलिए हम सब तुम्हें कभी भी नहीं भूलते हैं अर्थात किसी भी अवस्था में तुम्हें भूलते नहीं हैं। बच्चों, दूसरा श्लोक देते हैं। देखिए, सर्वव्याप्तम, जैसा कि वाक्य से स्पष्ट है, सर्व मतलब सभी जगह, व्याप्तम मतलब फैले हो, सर्वज मतलब सब कुछ जानने वाले हो, सर्वशक्ति मतलब सभी प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो तुम्ही में समन्वित मतलब पाई जाती हैं। कह रहे हैं कि सभी जगह फैले हुए हो, सब कुछ जानने वाले हो और सभी प्रकार की शक्तियाँ जो है वो तुम्ही में समाहित हैं। अति सुंदरम देवेश, कह रहे अत्यंत सुंदर हो, देवेश मतलब देवताओं के देवता हो। नमस्ते जगदीश्वरम, जगदीश्वर मतलब इस संसार के को चलाने वाले अर्थात ईश्वर। कह रहे हैं कि सभी देवताओं के देव हो और इस संसार को भली प्रकार से हो जो चलाते हो, इसलिए हम सब ईश्वर को अर्थात तुम्हें जो है वो नमस्कार करते हैं। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है? कहीं कुछ भी आपको अर्थ ना समझ में आए तो आप हमें कॉल करके पूछ लीजिएगा। और भी एक बात बच्चों, हमने लेसन 1 हिंदी का आपको शब्द अर्थ लिख के भेजा हुआ था, लेकिन किसी ने भी करके मुझे फ़ोटो सेंड नहीं की है, तो मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ लेकिन आप अपने कर्म नहीं कर रहे हो। इसलिए आप स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और कर्म करो, फल की चिंता ना करो।